एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो काफी सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ के मेंस में आए हुए अभी 29 सितंबर के शिफ्ट में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चंस। तो अब ये सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। जैसे कि आरआरबी क्लर्क के मेंस में, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, आरआरबी ओए का मेंस और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सेम लेवल रहता है। तो हम लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है आज के क्वेश्चंस देख के कि किस तरह का लेवल सेट किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अब बारी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करो कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, कितने क्वेश्चन गलत करते हो, या फिर आपको कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उन क्वेश्चन को हम किस तरह से इजीली निपटा सकते हैं। सो जल्दी से अपने पेन और नोटबुक के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए स्पीड मैथ्स का ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, तो ये आपको सॉल्व करना है एकदम एग्जाम के पैटर्न में। अपना टाइमर लगा के बैठना है आपको, ठीक है, आपको अपना टाइमर लगा के बैठना है कि आप डीआई और स्पीड मैथ्स को कितना टोटल टाइम देते हो उसी के अकॉर्डिंग, और आपको उसमें अपनी पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग दोनों करनी है, और एंड में देखना है कि आपको कितने में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल कॉन्शियसली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। अब आपको एक स्पेशल चीज का ध्यान रखना है, आप जैसे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग करनी है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होती है, और आपको टाइमर सेट करके बैठना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और ऑब्वियसली जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं पहले साइड हट जाऊंगी, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन नोट करके मतलब जैसे भी है आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद वीडियो दोबारा आप रिज्यूम करके आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन है आपके पास, क्वांटिटी वन और टू में कंपैरिजन बताना है, जहां पे क्वांटिटी टू तो सिंपल है लेकिन वन में 10z है। अब उसके लिए आपको जेड की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि आप यहाँ से निकालोगे, लेकिन जेड की वैल्यू चाहिए तो पहले वाई की चाहिए वैल्यू। अब उसके लिए आपको हिंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ वाई इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन का रूट है, तो रूट निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ है नहीं, 5 5 = 25 होता है, प्लस करके 10 आता है, माइनस प्लस का आ गया प्लस प्लस, 5 आ गई वाई की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो 5/5 इज इक्वल टू क्या गया, अब देखो 5 से तो 5 कट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, और 1 की z प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 11 हो गया, और z की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 आ गई। अब आपसे पूछा गया था क्वांटिटी 1 में 10 इंटू z, और z की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे सीधा 100 आ गया, 100 के तो इक्वल होता है, तो आपने ऑप्शन ई सीधा टिक कर दिया, सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करो, इस सीरीज को देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है, सबसे पहले डिफरेंस ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा 32.9 का डिफरेंस दिखा, यहाँ से देखोगे तो आपको 56 आ गया, इधर यहाँ देखोगे तो 400 आ गया, ठीक है 356 और 400, यहाँ से देखोगे तो 6 में से गया 144 या 441 पॉइंट में, ठीक है यहाँ से देखोगे तो आपको 48.4 और यहाँ से देखोगे तो 52.9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको चीज समझ आ चुकी है, यहाँ पे पॉइंट है, आपको यहाँ पे सीरीज समझ आ रही है कि पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, 484 22 का स्क्वायर होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, और ये तो स्क्वायर होता नहीं है, 356 नहीं होता है, क्या होता है 361 होता है, यहाँ पे होना चाहिए था 361 जो कि होता है 19 का स्क्वायर, जैसा हमारा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भाई यहाँ तक तो सबसे चल रहा था 631.9 गलत है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे 361 होना था, फिर यहाँ 324 होना था, 332.4, ठीक है, जो कि 18 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट चलिए, क्या है 1600 1604 1544, इस तरह से चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो एकदम से बहुत स्पीड से घटी है, तो इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीधा हम डिफरेंस लगाएंगे, यहाँ पे 60 आ गया, 4 आया, 60 आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो सीधा 216। ठीक है, 216 से मुझे हल्का सा हिंट मिला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो अब देखो बढ़ा घटा, ठीक है, फिर बढ़ा, अब फिर घट रहा है। ठीक है, हाइब्रिड सीरीज है ये, 512, ये क्या हुआ है, घटा है। तो अब आपको हिंट मिलनी स्टार्ट हो गई है कि पहले 4 बढ़ा घटा, अब क्या होगा, फिर से बढ़ेगा, यहाँ के आपके पास 1000
और यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा घट गया एकदम से 520, तो यहाँ पे 28,1728, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से नहीं लेकिन यहाँ से आ रहा है, 216 6 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है, और ये 12 का क्यूब होता है। आपको समझ आ रही है इवन नंबर सीरीज चल रही है, और प्लस माइनस, ठीक है। अब इससे पहले क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन 6 से पहले क्या आता है, 4 का क्यूब जो कि होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलत है, 1604 गलत है, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। आपको रॉन्ग नंबर सीरीज इस बार दी गई है, मिसिंग नंबर सीरीज नहीं दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कंपैरेटिवली काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, आपको बड़ी प्यारी सी सीरीज दिख रही है, और अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पहले ही दिक्कत मिल जाएगी, जैसे कि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे दिक्कत लग रही है। लेकिन आपको तुक्का तो लगाना नहीं है, इंट्यूशन पे नहीं जाना है, कैलकुलेशन पे जाना है। तो जरा लॉजिकली देखते हैं। देखो भाई, 500 का 40 गुना होता है, 500 का 40 गुना होता है 20,000, तो यहाँ ऑब्वियसली 40 से डिवाइड हो रहा है। देखो एक चीज होती है, हम ना कभी कभी चलते हैं कि उल्टा चलो मल्टीप्लाई करते हुए, अगर आप उल्टा चलोगे ना तो यहाँ पे आंसर निकालना बहुत इजीली आ जाता है, लेकिन अगर उस साइड को जाना है वहां पे दिक्कत हो सकती है। सिंपली क्या कह रही हूँ मैं कि कोशिश करो ऐसे ही चलना है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छी लगती है तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 40 का, तो मल्टीप्लाई की जगह बस डिवाइड रख दो। अब जैसे कि 25 का दुगना होता है 50, तो ये 20 से डिवाइड करो ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 गुना लग रहा है मुझे, तो मैं 10 से डिवाइड करूंगी। आपको सीधा सीधा पैटर्न समझ हो रहा है, आधा आधा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगी, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे किससे करूंगी भाई, देखो 40 20 10 5, तो यहाँ 2.5 से डिवाइड करूंगी मैं, ऑब्वियस है। किसे डिवाइड करूंगी, 0.5 को। वैसे तो 0.4 आने ही नहीं वाला है, लेकिन स्टिल एक बार देख लेते हैं। आपको 0.5 को डिवाइड करके देखना है 2.5 से, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कटा, यहाँ पे 1.5 आया, मतलब 0.2 आ जाएगा, और 0.2 नहीं वहां पे 0.4 आ रहा, आपको साफ साफ पता चल रहा था। तो 0.4 ही आपका यहाँ पे गलत नंबर है रॉन्ग नंबर सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी मुझे सीरीज घटती हुई दिख रही है, तो हम हमेशा डिफरेंस की तरफ चलते हैं। 34 से जाएगा तो यहाँ पे कितना 66 आ गया, 66 प्लस 1 आपके पास 67 आ गया। यहाँ से यहाँ पे जाना है तो मुझे क्या करना है भाई, 1 और 3 4 7 71 आ गया। यहाँ से यहाँ पे जाना है तो मुझे 27 कम हो रहा है ना, 63 73 आपके पास आ गया। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कितना कम हो रहा है भाई, 80 और 179 यहाँ पे कम हो रहा है। देखो आपको साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज है, बहुत पहले आपने नोटिस कर लिया होगा, आगे भी प्राइम नंबर सीरीज चलनी चाहिए, ठीक है। 11 इधर 70 इधर 81 81 आ रहा है, 81 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 39 से डिविजिबल है ये, तो ऑब्वियसली ये ही आपकी गलत नंबर है। बताओ ये गलत है, ये गलत है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ तक 79 तक सही चल रहा था, मतलब 711 तो सही है, गलत कौन सा है, 630 गलत है। तो 630 आपके पास ऑप्शन बी में है, ठीक है। देखते जाइए, काउंट करते रहिए कितने मार्क्स आपको अभी तक मिल चुके हैं। देखिए नेक्स्ट सीरीज ट्राई कीजिए, देखिए आपको दिख रही है साफ साफ बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी और फिर से पड़ी, हाइब्रिड सीरीज ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ भाई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आपकी यहाँ जरूर नजर पड़ेगी। 33 का 99 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन चल सकती है हाइब्रिड सीरीज में। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ, अच्छा जरा ध्यान से देखना, 33 5 165 होता है, अब उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उल्टी साइड जाएंगे तो डिवाइड होगा, मतलब डिवाइडेड बाय 5 है ना, ये सिंपल है। इतना लॉजिक तो हमारे हमेशा ही दिमाग चलता है, चाहे कितने स्ट्रेस में हो। अब देखो इधर जाना चाहो या उधर जाना हो, अप टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो 25 100 होता है, तो 19.8 5 99 होगा, मतलब यहाँ कितना हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं इस साइड चलूंगी तो डिवाइड करेंगे, उस साइड चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप अपने मेथड से करो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेथड आपको पसंद आना चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो देखो 23 60 होता है, और ये बहुत पास है तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और 8 3 24 होता है, मतलब आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जरा इस साइड आ जाओ, यहाँ पे क्या होना था भाई, देखो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ होना था मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन 53 जा तो 150 होता है, मतलब दिक्कत कहाँ गई भाई, 50 में दिक्कत आ गई, 50 हमारा यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, हमने बहुत प्यार से कराई इसे। अगर आप आगे आना चाहो आप आगे भी चेक करो, ठीक है, हमेशा हमें चेक करना होता है। वहां पे हमें समझ आ गया था तो एक स्टेप लास्ट का नहीं भी करते चल जाता, यहाँ का करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, यहाँ 55 होना चाहिए था, क्योंकि 55
चीजा 165 होता है, और अगर यहाँ 55 होता ठीक है, तो 55 फिर 5 या 55 को 5 से मल्टीप्लाई करते या 275 को 5 से डिवाइड करते तो 55 आना चाहिए था, जो कि हमारे पास बिल्कुल आएगा। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अच्छा देखो, अभी हमने टोटल 6 क्वेश्चन करे हैं और यही सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं स्पीड मैथ में मेंस के एग्जाम में। तो अब आप देख सकते हो, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्पीड मैथ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जिसमें आपने प्रीलिम्स में पहले ही अपनी कमांड बढ़िया बना रखी है। अब आप देख सकते हो कि मेंस में भी कुछ ऐसा मुश्किल हार्ड एंड कोर क्वेश्चन नहीं आए हैं, सारे सिंपल ही हैं। तो इसमें आपके फुल ऑन फुल तो आने चाहिए विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 15-20 सेकंड काफी है इन क्वेश्चंस के लिए। इससे ज्यादा ले रहे हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर अब आपके यहाँ पे 6 में से 6 आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके 6 में से 6 नहीं है, 5 आए 4 आए, तो बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सेक्शन है जिसमें आपकी बहुत तगड़ी कमांड है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। अगर गलती हुई है, किस वजह से हुई है, उस पर ध्यान दो। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो हो सकती है, क्योंकि कोई हार्ड एंड कोर कंसेप्ट तो यहाँ पे आए नहीं, कुछ मुश्किल सीरीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आपकी मेन प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। उसके लिए आपको फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस मेंटेन करना है। और अगर आप बाय एनी चांस आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते करते गाने सुनते हो, तो उससे स्टडी में भी पाया गया है कि उससे फोकस डिग्रेड होता है। मल्टीटास्किंग मत करो, जिस टाइम पे भी आप पढ़ रहे हो, गाने सुन रहे हो, सिर्फ गाने सुनो, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, क्योंकि इससे फोकस में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, बट आफ्टर दैट यू विल बी ऑल गुड। ठीक है, तो ये हमने स्पीड मैथ्स को कंप्लीट कर ली है। अब जरा डीआई के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें आप कितना स्कोर कर पाओगे, लेट्स सी। तो देखिए, ये आपके पास डीआई आया हुआ था, डीआई आप यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको ग्राफ इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफ और सारी चीजें आपको वहां से पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक और माइनिंग कंपनी के बारे में बताया हुआ है, बेसिकली दो कंपनी है, एक्स और वाई नाम की। अब यहाँ पे वर्कर काम करता है, ए का डेटा आपको गिवन है, और अगर आप नीचे देख के पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है ए और बी दो वर्कर हैं जो कि दोनों कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब आपको उनसे रिलेटेड डेटा गिवन है, और आपको बेसिकली हमें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ग्राफ पढ़ना है, ठीक है, 2012 यहाँ से 2012 से लेके 15 तक 4 सालों का डेटा गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे सबसे पहला देखो, 200 के जस्ट आ गया, तो यहाँ पे तो 200 हो गया। ये वाला x का है, दूसरे वाला ब्लैंक वाला y का है, आप सीधा पिक में देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये 100, अच्छा देखो 100 से लेकर 200 के बीच में 5 डब्बे हैं टोटल, और 5 डब्बे अगर 100 को 5 डब्बों में डिवाइड करोगे, एक डब्बा 20 का हो गया, तो यहाँ पे एक डब्बे के भी बीच में बना है, मतलब ये 110 है। ये आप एक्चुअल ग्राफ से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। अब इसी के थ्रू आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले मैं आपके लिए टेबल बना रही हूँ, यहाँ पे टेबल में आपको जो ऑलरेडी चीजें गिवन है, तो इसमें क्योंकि ग्राफ और टेबल दोनों ही है, तो हम ग्राफ की सारी इन्फॉर्मेशन टेबल में ही लिख लेंगे, सिर्फ टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस। अब देखो यहाँ पे एक ही परसेंटेज में डेटा गिवन है, कितना उसने एक्सट्रैक्ट करा है कंपनी एक्स के लिए। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक ही परसेंटेज गिवन है, एक ही वैल्यू गिवन है, अब जो परसेंटेज है वो एक्स की है, वैल्यू वाई की है। अब ये जो ग्राफ था वो क्या था, ग्राफ में आपको ए और बी की मिला के, ए और बी वर्कर्स की मिला के कितना काम करा उन्होंने कंपनी एक्स और कंपनी वाई में, उसका डेटा गिवन है। तो देखो सबसे पहले ए ने कितना काम, ए और बी ने मिला के एक्स में कितना काम करा है, भाई ए और बी ने मिला के एक्स में काम करा है 240। ठीक है, ये ए और बी ने मिला के करा, वो ग्राफ से ही वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। अब यहाँ पे वाई में ए और बी ने मिला के कितना करा है, भाई देखो सबसे पहले हमने निकाला था 110, फिर 240 और 150। ठीक, क्या निकालना है, ए की परसेंटेज गिवन है, ए ने एक्स में कितना काम करा है। तो देखिए ये जो था, ये वाली इंफॉर्मेशन, हाँ जी, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी टेबल में गिवन थी। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी लिखी है ग्राफ से देख के, जो मैंने आपको बोला कि आपको खुद से फिल कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पे फोटो देख के। अब देखिए क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन क्या थी, ये बोल रहे थे ए और बी वर्कर ने मिला के कंपनी एक्स में कितना काम करा है, और इन दोनों ने ही मिला के कंपनी वाई में कितना काम करा है, एक्स वाले ये थे, वाई वाले ये थे, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में बनाया। अब एक्स की कॉलम में ए और बी ने मिलके ये करा है, और ए और बी ने मिलके वाई कंपनी में इतना काम करा है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अब जरा ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से, ठीक है, जब डीआई सॉल्व करने बैठो एग्जाम में भी, यहाँ भी एकदम शांत दिमाग से बैठना है, क्योंकि यहाँ एक चीज छूटी सब दिक्कत। ठीक है, आपको देखो क्या गिवन है, ए की परसेंटेज, मतलब इस पूरे में से ए ने कितना काम करा है, यही गिवन है।
अगर ए ने 60% काम करा है 200 का, तो बी ने 40% करा होगा, 10% इसका 20 है, 20% इसका 40 है। अगर ए ने 60% काम करा है टोटल में से, तो बी ने 40% करा होगा, ऑब्वियस बात है। ए 60% इसका कितना आ जाएगा, 120, तो 20 कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 80। मैं यहाँ ए की कॉलम बना रही हूँ, यहाँ बी की कॉलम बना रही हूँ, जो इंडिविजुअली, बाद में हमें परसेंटेज का काम जैसे कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये बना ली, अब देखो 42.84 होगी तो 42.84। अब ये कुछ बच्चे देख के घबराएंगे, कुछ बच्चे देख के खुश होंगे, क्योंकि 42.84 होता है 3/7 के इक्वल, मतलब टोटल 7 हिस्सों में से 3 हिस्से तो ए ने काम करा और बाकी बचे हुए 4 हिस्से बी ने काम करे, तो टोटल 7 हिस्से हुए। अगर 7 हिस्से 350 के बराबर है, तो एक हिस्सा 50 के बराबर हुआ, ठीक है। एक हिस्सा 50 के बराबर, तो 3 हिस्से 150 और 4 हिस्से 200 के बराबर, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन मुंह से ही करनी पड़ेगी, मतलब दिमाग में सोच के मेंटली करनी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि 40 है, ठीक है, आपके दिमाग में सीधा कितना आएगा कि भाई इसे एक हिस्सा हुआ 56 के बराबर, या तो ऐसे ले लो, या फिर आप इसे एक और तरीके से ले सकते हो कि इसका 50% होगा 280, और 280 में से 56 माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 224, 40% हुआ वो इस साइड आया, और बाकी जो बचा हुआ आएगा 336 वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास, 45% निकालना है आपको 240 का। देखो 50% होता है 120, देखो ये जो ऊपर वाला 40% वो भी उसी तरह से सॉल्व करा था, ये भी उसी तरह से करेंगे। आपको निकालना है 45% ऑफ 240। आप 45% को 50-5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे भाई 240 का 50% कितना होगा 120, और 5% कितना होगा 12, तो कितना आ गया 108, ठीक है। इसी तरह से तो करा हमने, पहले इसका 50% निकाला, फिर 10% माइनस कर दिया, हो गया 40%। या 560 को सीधा 4 से, मतलब 56 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, अप टू यू, जैसा आप करना चाहो। तो भाई ये 108 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 132 इधर बच गया, ठीक है। ये आपकी इस साइड की टेबल तैयार है, इस साइड की और कर लेते हैं। देखो इसमें तो बचा ही कितना है, एक चीज बताओ भाई, कंपनी वाई में टोटल काम हुआ 110, 70 ए ने करा, तो बाकी बचा हुआ 40 बी ने करा होगा, 90 इसने करा तो 110 इसने करा होगा, 240 में से 150 इसने करा तो 110 इसने, 90 इसने करा होगा इसमें से, हाँ ओके ये 180 था, ये 180 नहीं 80 था, ठीक है, वही तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी देखो टेबल पूरी तरह से डन है, ठीक है। अब आप देखो आपने इसमें टेबल बनाने में, ठीक है ओके, यहाँ पे देखिए अब हमारी टेबल बिल्कुल डन, हम क्वेश्चन की साइड बिल्कुल बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, टेबल यहाँ पे मैंने लिख दी है आपके लिए, साथ में जल्दी से क्वेश्चन उड़ा देते हैं, क्योंकि अब टेबल बन चुकी है तो क्वेश्चन जल्दी निपटाने हैं। देखो Find the sum of quantity of ore extracted by worker A in both the companies together in 2012. 2012 में दोनों कंपनी ने A ने कितना काम करा है? 2012 में A ने दोनों में मिलाकर कितना करा भाई? 190 करा है। Is approximately how much percent more or less? Plus minus करके फिर percentage निकालनी है। The sum of quantity extracted by worker B in 2015. Sum of 2015 में B ने, है ना, दोनों में बी में भाई 132 इधर है और बी ने इधर 170 है, तो 202 हो गया। अब 202 190 से कितना ज्यादा और कितना कम है आप ही बता दो भाई, 12 कम है अपॉन 202। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, आई गेस कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है। अब देखो इन्होंने हमें वर्ड यूज कर दिया है अप्रोक्सीमेटली, तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोले तो सीधा 6% आपके पास आ गया। मैं 202 को 200 लेके करूंगी सॉल्व, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में इतना चलता है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखनी है, जब आप नॉमिनेटर की वैल्यू को घटा देते हो तो न्यूमिनेटर की वैल्यू आपकी जो आई है, मतलब ऊपर जो 6% आया है, ये एक्चुअल में 6% नहीं, 6% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आता, ठीक है। चीज समझ आई, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए। देखिए इन 2016, देखो डेटा तो 2015 तक का ही है, 16 है मतलब एक्स्ट्रा केस की बात कर रहे हैं। जो और एक्सट्रैक्ट करा गया है बी के द्वारा दोनों कंपनियों में,
40% है टोटल जो करा है ए ने 2013 में। भाई ए ने 2013 में, 2013 में ए ने करा है दोनों कंपनियों में टोटल मिला के 240, तो वो 240 का कितना 40% है भाई। देखो 240 का 10% 24 हुआ, और 24 का 4 टाइम्स हो गया 96, ठीक है। तो 96 एक्सट्रैक्ट करा है बी ने, ठीक है, दोनों कंपनियों से मिलकर। तो आपको आगे बोला है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड बाय बी, एक्स और वाई में जो बी ने ये एक्सट्रैक्ट करा है 96, इसे रेशियो में अगर डिवाइड किया जाए तो 7:5 है। एक्स में जा रहा है 7:, वाई में जा रहा है 5:। आपसे पूछा गया है कि बी ने वाई में कितने करा, बी में वाई ने इतना करा टोटल 12 हिस्से, ठीक है। 12/8 जा मतलब एक हिस्सा हो गया 8 के बराबर, ठीक है, टोटल ये 12 है ना। अगर 12 बराबर है 96 के तो एक बराबर हो गया 8 के, तो 5 बराबर हो गए 40 के। आपके पास ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलो, देखिए आपको क्या गिवन है, अगर वर्कर एफ जो कि था ही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा केस है, कंपनी वाई में 2014 में, कंपनी वाई में 2014 में 30% ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता है कंपनी वाई में जितना ए ने करा था। वही कंपनी वाई में ए ने कितना करा था, 70 करा था। कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2014 की, मतलब ये रहा 150 एक्सट्रैक्ट करा था, 150 का 3% ज्यादा, 30% ज्यादा, 10% 15 हो गया, 30% कितना हो गया 45, मतलब टोटल कितना 195 एक्सट्रैक्ट किया गया है। इफ द वर्कर एफ एक्सट्रैक्टेड, ये किसमें, ये वाई में करा है, ये वाई में करा है 2014 में, किसने, एफ ने, ठीक है, एफ की बात चल रही है अभी यहाँ पे। दूसरी बात कह रहे हैं इफ वर्कर एफ, फिर से एफ की बात करें, अगर कंपनी एक्स में 2014 में उसने 12 किलो कम करा है, किससे, जिसमें बी ने करा था एक्स में 2014, बी ने करा एक्स में 2014 में 336, 336 में 12 का मतलब 324, ये किसने करा, कंपनी एक्स में 2014 में एफ ने करा, ठीक है। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी, भाई टोटल कितना हो गया, इन्हें प्लस कर लो कितना हो गया, 9:8519, ऑप्शन डी आपके पास है, ठीक है। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन लिखने बहुत बड़े पड़ रहे हैं लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे चलते हैं। अगर 25% क्वांटिटी जो कि ए ने एक्सट्रैक्ट करी थी कंपनी एक्स में 2015 में, ए ने 2015 में कंपनी एक्स में कितनी एक्सट्रैक्ट करी है, 108, उसका 25% मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। फोर्थ हिस्सा कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 7 28, तो इतना हिस्सा अगर प्योरिफिकेशन के लिए गया है, ठीक है बच्चे, टोटल में से 27 चला गया प्योरिफिकेशन में से, तो क्वांटिटी ऑफ वेंट फॉर प्योरिफिकेशन बाय बी इन एक्स इन 2015, बी में एक्स के थ्रू 2015 में, बी में एक्स के थ्रू 2015 नहीं है ना, अच्छा एक्स के थ्रू, ठीक है, वो है 132 में से जो गया है हिस्सा इज 33% मोर देन दैट बाय ए। 132 में से जो हिस्सा गया है वो जो पहले वाले का था ना, पहला कौन सा था, पहले में जो ए का जो प्योरिफिकेशन का गया है उसका तीसरा हिस्सा ज्यादा है, तीसरा हिस्सा ज्यादा है, मतलब इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा भाई, 27 का थर्ड हिस्सा 9 हो जाएगा, 27 से 9 ज्यादा गया मतलब 36 गया है, 36% 132 में से प्योरिफिकेशन के लिए गया है। आपसे क्या पूछ लिया, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड बाय ए एंड बी व्हिच डिड नॉट गो फॉर प्योरिफिकेशन, जो प्योरिफिकेशन के लिए नहीं गया है ए और बी में से। भाई देखो टोटल कितना है इसका, 140, ठीक है, 140 में से 27 और 36 तो चला गया, 12, 13 और 63 इतना तो चला गया, कितना नहीं गया, तो भाई 40 तो सीधा चला गया, 13 गया, तो मतलब 77, अच्छा यहाँ, ठीक है 240 में से गया, तो 177 आपके पास ऑप्शन डी आंसर आ चुका है, ठीक है। एकदम स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हो, लाइक करते हुए चलो। क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फोर एक्सट्रैक्टेड बाय ए एंड बी इन एक्स 2014, एक्स में 2014 में ए और बी ने मिला के 560 है, उसका रेशियो किसके साथ निकालना है, ए और बी में वाई में 2013, ए और बी में वाई में 2013 है यहाँ पे 200, तो इसका आपको रेशियो निकालना कोई बड़ी चीज है नहीं, 28/10, 14/5 आपके पास है, जो कि है आपके पास ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, हाँ जी।
क्वेश्चन देखेंगे, अगर बी को मिल रहे थे 240 रुपए हर एक किलो पर, जो उसने कंपनी वाई में 2012 में करा, कंपनी वाई में 2012 में बी की बात कर रहे हैं, 40 एक्सट्रैक्ट करा है, ठीक है, कितने पैसे मिल रहे हैं हर एक किलो पे? 240 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे ही 360 रुपए मिल रहे थे पर केजी एक्सट्रैक्शन में कंपनी एक्स से 2012 में, किसे? बी को ही मिल रहे हैं, बी को मिल रहे थे कंपनी एक्स में 2012 में, मतलब 80 पे करा जा रहा था उसे, ठीक है। 24 288,000 आ गया, यहाँ देखोगे 9,600 आ गया। अब उन्होंने पूछा टोटल कितना कमा रहे हैं, तो भाई टोटल के लिए प्लस कर दो, कौन सी नई बात है हमारे लिए, 004 9218 384 00 384 00 आपके पास ऑप्शन डी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट DI जो कि आई हुई थी मेंस के एग्जाम में, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने इसे कितना टाइम लिया है इसे सॉल्व करने में, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे आप इजी चीज़ें लगा सकते थे। आप शांति से बैठ के सोचोगे तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट DI की तरफ बढ़ते हैं। ये थी हमारी सबसे पहले DI, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन कितने टाइम में ठीक करे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे थॉरली रीड करो और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है ना, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक 5 कंपनी है ABCDE नाम की, अब वो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और फिर शॉपकीपर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ABCDE मैन्युफैक्चरिंग का गिवन है, यहाँ पे सोल्ड का गिवन है, कुछ बनेगा कुछ उसमें से बिकेगा, तो कुछ ऐसा रहेगा जो कि बिक नहीं पाएगा, मतलब अनसोल्ड, सोल्ड अनसोल्ड की DI है यहाँ पे। अब सोचने वाली बात है, देखो कितने इजी अमाउंट है, 20,000 12,000 और यहाँ परसेंटेज भी ठीक ठीक ही है। तो अब आप के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हमें टेबल बनानी है या फिर नहीं बनानी है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अगर एग्जाम टाइम पे बहुत जल्दी पैनिक करते हो, कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो, तो आपको टेबल बनानी है। लेकिन अगर आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको ज्यादा पैनिक फील नहीं होता, अपने आपको कंट्रोल कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे टेबल मत बनाओ, क्योंकि बहुत ईजी आप साथ के साथ भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन वो तब है जब आप कंफ्यूज नहीं होते और पैनिक नहीं करते हो, ठीक है। अभी हम दोनों तरीके से सीखेंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं डिकोड कैसे करना है, आप कैलकुलेशन ईजिली कैसे करोगे, ठीक है। देखो सपोज मैंने बोला मुझे सपोज ई की निकालनी है, ई 28% मैन्युफैक्चर करता है 20,000 का, ठीक है। तो आपको सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज, सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो तो हटा दोगे, और 26 2s 28 2s होता है 56 और 00 ऐसे लगा दे तो 5,600 आ गया। सेम चीज आप किसी में भी लगा सकते हो। सपोज मैंने बोला आपको 15% निकालना है 20,000 का, ठीक है, तो 2 जीरो गए यहाँ से, अब 15 × 2 = 30 होता है, तो यहाँ पे आपके पास सीधा 3,000 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप पूरी DI को बहुत इजीली डिकोड कर सकते हो। आप चाहो साथ के साथ करते चलो, आप नहीं चाहते तो आप सीधा क्वेश्चन में भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस DI को कोशिश करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने की, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी जल्दी से टेबल कंप्लीट करते हैं। देखो भाई कितना है, ए ने कितना मैन्युफैक्चर करा है, भाई ए ने करा है 20, 200 का 20 करोगे तो 4,000 आपके पास आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन करोगे ना, परसेंटेज से 2 जीरो तो चली गया, तो 20,000 में 5 जीरो होते हैं, 3 जीरो बचेंगे, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसे बस 200 से मल्टीप्लाई करना है, इन शॉर्ट ये देखना है हमें बस, ठीक है। बी का है 18 18 दूनी होता है 36 36 और 00 बस। नेक्स्ट क्या है 15 30 और 00, नेक्स्ट क्या है 19 38 और 00, नेक्स्ट क्या है ई 28 28 मतलब 56 और 00, फाइन कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करो सोल्ड पे चलो, अब सोल्ड का ध्यान रखना है, इसमें 12,000 था तो इसका 120 रखेंगे, 120 क्यों, क्योंकि जो 2 जीरो थे वो परसेंटेज वाले 100 से तो चले गए ना, हमारे पास सिर्फ 120 बचा है, तो 120 का 20% निकालोगे तो 240 00, ठीक है, मतलब समझ गया ना आप क्या कह रही हूँ मैं। अब 15 12 15 12 180 होता है, तो 180 और 10 मतलब 1800, ठीक है। 12 2s 2 2 4 00 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18, अच्छा देखो अगर आपको 18 का टेबल आता है वैसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप 12 20s 12 20s होता है 2 4 00, उसमें से 240 माइनस भी कर सकते हो, अप टू यू यार, जैसा आप चाहो वैसा करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वैसी करो। 2160 आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है।
आप 18 से मल्टीप्लाई या 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वो भी सिंपल ही था। अब देखो 12 7 से 84 होता है, 8 यहाँ कैरी, 12 2 से 24 और ये आपके पास 34 आ जाएगा, तो 3240 आपके पास आ गया। अब देखो मैन्युफैक्चर करे 4000, सोल्ड हुए उसमें से 240, बचे कितने 1600 जो सेल नहीं हो पाए। ठीक है सेम चीज़ इधर, इधर 1800 बचे, इधर कितने हैं भाई, इधर 600 बचे, इधर कितने बचे भाई 40 और 7 6 1 1640 बचे। यहाँ देखोगे तो भाई फिर से 60, यहाँ 2360 आपके पास आ गया। ये आपने टेबल बना लिया, अब देखो बिल्कुल आपके ऊपर है। देखो मैं कहीं से आपको कुछ नहीं कहने वाली हूँ किस मेथड से करो, आप देखो आपको कौन सा मेथड अपने लिए सूटेबल लगता है उस मेथड को यूज करो। देखो हमने टेबल बना ली, बहुत इजी बनी है। अब यहाँ पे टेबल बनाने में हमने जितना टाइम लगाया, अगर शायद डायरेक्ट करेंगे तो नहीं लगेगा टाइम, लेकिन हम कोई भी चीज अपने नेगेटिव मार्किंग के कॉस्ट पर नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मैं ऐसा करूँ जिसकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग हो। मैं सही करने की कोशिश की जाए गलत क्यों करूंगी, ऑब्वियस है। तो जो चीज आपके लिए सूटेबल हो वो करो। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको एवरेज निकालना है तीन प्रोडक्ट जो कि अनसोल्ड हुए हैं एबीसी के थ्रू। एबीसी ने अनसोल्ड कितने करे हैं भाई, इन तीनों को प्लस कर लो। ठीक है 17 2 34 और 34 6 40, 4000 तीन का एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करो 133.33। ठीक है दैट इज योर आंसर। अच्छा मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन में यही वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि मैंने करा है। ठीक है अब हाँ जी, तो अब अगर मेरे पास ये टेबल नहीं होती तो मैं किस तरह से सॉल्व करती जरा वो देखो। भाई बोला है कितने एबीसी ने अनसोल्ड करा है, मतलब मैन्युफैक्चर में से कितने, मतलब टोटल कितने बनाए थे एबीसी ने, बनाए कितने थे 33 और 20, 53% बनाए गए थे किसके 20,000 के, ये टोटल बनाए गए थे। और इसमें से कितने बिक गए भाई एबीसी के, बिके 40 और 55 बिके 12,000 के। ठीक है अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा टोटल अनसोल्ड प्रोडक्ट तीनों के मिला के। ठीक है मैंने क्या करा भाई, देखो 20,000 के निकालना है तो सबके अलग अलग क्यों निकालो, सबके साथ निकाल दो, ऐसे 12,000 के सबके साथ निकालो, एक दूसरे में से माइनस कर दो। ठीक है अब आपको पता है इसके किस तरह से निकालना है, 53 टू सा कितना होता है भाई 106, 106 जीरो लगा लो एक, 12,000 का 55, 12 5 60 और 66 660 हो गया। अब अगर इसे माइनस करूंगी तो 400 आ गया मेरे पास, 400 का मुझे कितना निकालना है 3%। अच्छा वो 400 है सिर्फ, नहीं ये मुझे कितना लेना था, ये मुझे लेना था 200, ये कितना लेना था, ये लेना था 120। तो 110 और लगाएंगे यहाँ के थ्रू, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है हमने जैसे वहां पे आपको याद है कैलकुलेशन करते वक्त हमने जीरो से जीरो कट करके 20,000 की जगह 200 लिया था, हर बार इसमें 120 लिया था। ठीक है सेम चीज हमने यहाँ पे ली है कि 20,000 और 12,000 ना लेके 200 और 120 ले लिया, इसके थ्रू भी आपका सही आंसर आने वाला है क्योंकि एक्चुअल में कैलकुलेशन में तो हमें वैसे भी करनी थी। ठीक है होप कि आपको बिन टेबल के भी समझ आए आप इसे कैसे निपटा सकते हो। प्रैक्टिस आपको दोनों करना है, चूज भले ही आप टेबल वाला करो या फिर ये करो। ठीक है आपको नहीं पता किस टाइम पर आपको किस चीज की जरूरत हो जाए। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ शॉपकीपर डी एंड ई, डी और ई के अनसोल्ड प्रोडक्ट कितने हैं भाई, 1640 और 2360, यह है टोटल। टोटल करोगे तो कितना 4000 आ गया, 4000 कितना परसेंट है ई ने टोटल जो बेचा है, ई ने टोटल बेचा है 3240, तो 3240 4000 कितना परसेंट है बेसिकली। अब देखो आप इसे नॉर्मली भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अप्रोक्सीमेटली कट करने के लिए 8 4 32 होता है और 8 5 140 होता है। अब देखो जो मैंने माना है यहाँ पे 32 सिर्फ थोड़े ना है, यहाँ है 3240, मैंने जो अज्यूम करा, मैंने अज्यूम करा कि ये वैल्यू छोटी हो गई है। ठीक है तो एक्चुअल में जो मेरी वैल्यू आई है, अगर मैं बोलूं 5/4 तो वो किसके 125% के इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है। मैंने वैल्यू छोटी अज्यूम करी है तो जो आंसर आया है मेरे रियल आंसर से थोड़ा सा बड़ा आया है। इसको समझे मैंने क्या बोला, अभी आपको बताया था मैंने डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा अज्यूम करा है, मैंने ये 3240 की जगह 3200 अज्यूम करा है, थोड़ा सा छोटा अज्यूम करा है, तो मेरा जो आंसर आया है वो रियल आंसर से थोड़ा सा बड़ा आया है। तो मुझे इससे हल्का सा छोटा जो आंसर दिखेगा वो सही आंसर होगा, 125 से थोड़ा सा छोटा 123 लग रहा है,
वही मेरा सही आंसर है, या आप अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कर सकते हो, और आप इसे डायरेक्ट कट के कट करके देखोगे वही आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाली अप्रोच तो नहीं, मैंने टेबल बनाई नहीं, अब मैं कैसे करूंगी इसे, चलो इसे भी देखते हैं। इन्होंने बोला डी और ई के टोटल अनसोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और इन्होंने परसेंटेज पूछी है, ठीक है। अनसोल्ड प्रोडक्ट किसके, डी और ई के, तो डी और ई ने मैन्युफैक्चर कितने करे हैं भाई, 28, और ये कितना हो गया 47%। 47% किसका, 20,000 का, 20,000 मतलब सिर्फ 200 का, ये कितना परसेंट है ऑफ टोटल। अच्छा ये मैंने टोटल मैन्युफैक्चर निकाले हैं, मैन्युफैक्चर में से फिर से क्या करूंगी मैं, अनसोल्ड माइनस करूंगी डी और ई के, सॉरी सोल्ड माइनस करूंगी, डी और ई के सोल्ड कितने हैं भाई, 45% है, 45% ऑफ 120, क्योंकि 12,000 को हम 120 लेते हैं, फिर से वही चीज, ठीक है। तो अब भाई देखो 47 टू सा कितना होता है, 94, जीरो मैंने ऐसे लगा दिए, 45 टू जा होता है 90 और 96 जा होता है 54, तो 5,400 आ गया, ठीक है। आपको पता है मैंने क्या करा है। अब अगर ये था टोटल मैन्युफैक्चर्ड, ये था टोटल सोल्ड, अनसोल्ड कितने आ गए भाई मेरे पास, 4,000 क्या आ गया मेरे पास अनसोल्ड, जो कि हमने पहले जब टेबल बना ली थी उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप हमारा डायरेक्टली प्लस करने के बाद ये आया था, यहाँ पे परसेंटेज निकाला प्लस करो, बात वही है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे किसमें से निकालना है अप्रोक्स व्हाट टोटल परसेंटेज सोल्ड ऑफ ई, ई ने कितना सोल्ड करा था भाई, ई ने करा था 27, अब 27 को तुम 12 से कर लो, 120 से, 27 को तुम 120 से कर लो, 84, 24, 3,240, ठीक है। अभी 3,240 कितना परसेंट है, फिर से आप उसी तरह से निकाल सकते हो, अप टू यू आप किस तरह से करते हो, ठीक है। आपको रेशो निकालना है, क्या निकालना है, रेशो, आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको निकालनी थी परसेंटेज, आप कभी भी परसेंटेज और रेशो का क्वेश्चन गिवन है और आपको इस तरह से यहाँ पे डेटा गिवन है, आपने टेबल नहीं बनाई है, बहुत अच्छी चीज़ का यूज कर सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। आपसे बोला है, पहले में बोला है सी और ई का अनसोल्ड, सी और ई का अनसोल्ड, तो सी और ई का मैन्युफैक्चर्ड कितना है भाई, सी और ई का मैन्युफैक्चर्ड मेरे पास 43% है, ठीक है। अब मैं इसका कैसे करती हूँ, 43% ऑफ 20,000, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करती, सी और ई का सोल्ड कितना है भाई, सी का 20 और ये 47% ऑफ 12,000, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने इसी तरह से करा था एकदम लास्ट क्वेश्चन में, आप ये मेथड यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसकी जगह एक और चीज यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आपकी कैलकुलेशन और भी ज्यादा ईजी हो जाएगी। आप कभी भी रेशो या फिर परसेंटेज निकाल रहे हो, आप ये ट्रिक उसमें लगा सकते हो। बेसिकली क्या करोगे, इनका रेशो लो, ये रियल फॉर्म मत लो, आंसर सही आएगा, सेम आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो 4 5s और 4 3s आ जाएगा, तो 43 5s कितना होता है, 15 215 21 और 141। अब इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 4 और 7 64 आ गया आपके पास, 64 आपके पास अनसोल्ड की वैल्यू आई है, ठीक है। अब 64 के अपॉन में क्या रखना है आपको, माइनस में गलती हो सकती है, मेथड में गलती नहीं है, ठीक है। देखो क्या है नेक्स्ट, आपको बी और डी का अनसोल्ड निकालना है, बी और डी का सोल्ड कितना था भाई, बी का था 18 और डी का था 19, तो 37 हो गया, 37% किसका, 20 का मतलब 5, ठीक है, 37 का 5 निकाला। अब देखो बी का कितना है और डी का कितना है, कितना है 33%, 33% रेशो लेंगे 3, अब यहां देखोगे कितना आएगा 35, 185 और यहाँ क्या 99, कितना आ गया आपके पास 180, मतलब टोटल 86 का डिफरेंस आ रहा है, 74 upon 86 निकालोगे आपके पास सेम चीज आने वाली है। और यहाँ पे अगर देखो तो फाइनली सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही सिंप्लीफाई करके लिया था, चीज समझ आई। आप लास्ट वाले क्वेश्चन में जो था हमने वो 200 और 120 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप 5 और 3 से भी कर सकते थे, आंसर आपका सेम आता, आप ट्राई करो, देखो क्या चीज काम करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाँ जी, तो अगर अब उस क्वेश्चन को हम इस टेबल वाले मेथड के थ्रू नहीं करते, हमने टेबल बनाई ही नहीं थी, तो क्या करते, देखो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, सर ध्यान से समझना, ठीक है। इन्होंने बोला टोटल अनसोल्ड सी और ई का, मुझे निकालना है सी और ई का टोटल अनसोल्ड। अब अनसोल्ड होता है हमारे पास टोटल हमने कितने बनाए और उसमें से कितने बेच दिए, यही होता है, तब से हम यही तो करते आ रहे हैं। तो भाई मैं
कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक चीज फॉलो कर सकती हूँ, वो क्या कर सकती हूँ, ध्यान से देखो। सी और ई का निकालना है भाई, सी ने कितना करा है, मैन्युफैक्चर की बात है ना, सी ने करा 15%, 15%, सी ने करा है 15% और ई ने करा है 28%, टोटल हो गया 43%। 43% कितने का भाई, 20 का, 20,000 का 43%। अब इसमें से मुझे सेम चीज माइनस करनी है सी और ई की, सी की है 20% और ई की है 27%, मतलब 47% किसका, 12,000 का, यही कर रहे थे है ना। अब अगर मैं अपॉन में लेके चलूं, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे रेशो निकालना है तो अपॉन में तो लेके चलना पड़ेगा, किसका, बी और डी का अनसोल्ड वाला। भाई बी ने से मैन्युफैक्चर करे थे 18 और ये थे 19, 18 और 19 हो गए 37, 20,000 का, उसमें से माइनस करना पड़ेगा बी और डी का ही जो मैंने सेल कर दिया है, ये सोल्ड वाला है। भाई बी ने सेल करा है 15 और डी ने करा है 18, ये कितना हो गया आपके पास 33% ऑफ 120, मतलब 12,000, ठीक है। यही तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, है ना। अब मैं कह रही हूँ आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करो, ये जो 20,000 है और 12,000 है, ये एक्चुअल इस अमाउंट में ना लेके इनका सिर्फ रेशो लो। क्या लेना है, सिर्फ रेशो, देखो 4 5 और 4 3, तो कभी भी 20,000 की जगह लेंगे क्या लेंगे 5 और 12,000 की जगह क्या लेंगे 3। भाई देखो 12,000 की जगह लो 3, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता ही है, 20,000 की जगह लो 5, ठीक है। धीरे धीरे देखोगे तो भाई आपको कैलकुलेशन बहुत इजी लगने लगेगी। देखो मैंने परसेंटेज हटा दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी कट कर रखा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगी, पहली बात नहीं भी होगी तो हम पहले से कट करके बैठे थे, ठीक है। अब देखो ये कितना इजी लग रहा है देखने में, 5 3 15 और 21, 215 में से जाएगा, 7 21 2 12 14 141 अपॉन में देखो 7 5 35 3 15 3 18 और यहाँ पे आ गया आपके पास 99, नीचे आ गया 86, ऊपर आपके पास आ गया 74। क्या ये इजी नहीं है, बहुत इजी है। अब सोचने वाली बात है, अगर आप इसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे और उसमें ये सेम चीज रेशो के अकॉर्डिंग लगाओगे, भाई 12,000 को ले लो 3 और 20,000 को ले लो 5, तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे क्यों नहीं आएगा, वहां पर अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमने रेशो में लिया है, ठीक है, रेशो से एग्जैक्ट नंबर्स के कभी आंसर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे यूनिट्स के अकॉर्डिंग आंसर आता है, ये भी आपके यूनिट्स के दिए हैं, लेकिन रेशो में हम ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से आंसर सही आएगा। अब आपको अच्छा बता तो किधर किधर यूज कर सकते हैं ये, कभी भी आपको रेशो निकालना है, ठीक है, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो, रेशो में ले सकते हो। दूसरी चीज, कभी भी आपको किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तब भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजीली आंसर आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्या चला कि जो लास्ट क्वेश्चन था क्या उसमें हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो, यूज करो, आंसर देखो, चेक करो और मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आंसर आ रहा है, सही है कि गलत है। लेट्स सी, हाँ जी, जरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या गिवन है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट और शॉपकीपर ए एंड एफ, ए और एफ के अनसोल्ड की बात कर रहे हैं वो, इन्होंने कितना नहीं बेच पाए हैं, उसका रेशियो इन्होंने दिया हुआ है 40:x, तो 40/x, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो भाई ए का तो हमें पता है डेटा में गिवन था, लेकिन एफ था नहीं है तो वो एक्सटर्नल केस है। ए का इन्होंने बोला अनसोल्ड, ए का अनसोल्ड है 1600 रुपए, ठीक है भाई। एक्स का हमें पता नहीं है, पता नहीं कितना इसने नहीं बेचा, रेशो एक्स है। नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ एफ इज 30% मोर देन दैट ऑफ सी, भाई एफ का ये तो अनसोल्ड था, एफ ने जो बेचा है ना वो सी के सोल्ड से, सी ने कितना बेचा है भैया, सी ने बेचा 2400 का 30%, है ना, 2400 का 30% ज्यादा है, मतलब 130% है, 0 से 0, 0 से 0, 52 2, 13 2 26, तो यहाँ आ गया आपके पास 3120, तो भाई कितना है 3120 तो बेच दिया है इसने, एफ ने 3120 बेच दिया है, ठीक है। और अनसोल्ड आपके पास यहाँ गिवन है, आगे वो क्या कहता है, टोटल सोल्ड ऑफ एफ इज 40% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड, भाई देखो एफ ने जितना भी टोटल बनाया, एफ ने जितना भी टोटल बनाया उसमें से सिर्फ 40% ही बेच पाया,
तो ये जो 40% बेचा है वही तो हमें गिवन है 3120, तो जो नहीं बेच पाया कितना नहीं बेच पाया भाई 60% तो बंदा बेच ही नहीं पाया, तो मतलब ये जो है ये 60% गिवन है, बिल्कुल गिवन है। एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेशियो लूं तो ये 2 है और ये 3 है, अगर 2 बराबर है 3120 के तो एक हिस्सा कितने के बराबर है 1560 के, ठीक है, और 3 हिस्से कितने किसके बराबर है फिर 4680 के, है ना, 3618, और बिल्कुल सही। तो ये किसके बराबर है भाई, ये 4680 के बराबर है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो कहाँ से तुम काट कूट सकते हो, 0 से 0 गया 16, 40, 0 से 0 गया 4, 1, 28, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 117, x की वैल्यू कितनी आ गई 117, ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर है, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन कितना घुमा के देख रखा था, हमें लगता भाई कितना मुश्किल है, लेकिन क्या आपको मुश्किल लगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑफ शॉपकीपर आर, आर है नहीं यहाँ पे, इज द एवरेज ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑफ शॉपकीपर डी और ई। भाई डी और ई ने टोटल मैन्युफैक्चर कितने करे हैं, डी और ई ने टोटल मैन्युफैक्चर करे हैं 3800, 5600, ठीक है, तो 8900, इसका एवरेज हो जाएगा 5700। एवरेज क्यों, क्योंकि दो चीज़ों का एवरेज करा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, कह रहे हैं आर और सी ने जितने बेचे हैं, भाई ये क्या है, ये तो मैन्युफैक्चर्ड क्या है, ये जो निकाला है हमने ये क्या है मैन्युफैक्चर कितना करा है आर ने। अब इसमें से जो इन्होंने बेचा है, अब देखो सी ने कितना बेचा है, सी ने बेचा है भाई 2400, सी ने कितना बेचा है 2400। अब इन्होंने बोला आर और सी के बीच में डिफरेंस, अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई आर में से सी को माइनस करो तब आएगा 2400, कुछ सोचेंगे सी में से आर को माइनस करो तब आएगा 2400 या 800, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि भाई आर आर बड़ा है सी छोटा है तब आएगा 800, कुछ करेंगे कि भाई सी बड़ा है आर छोटा है तब आएगा 800। अब बात यह है कि भाई केस हमें दोनों लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली कहीं नहीं बोला कि सी बड़ा है कि आर बड़ा है, कहीं नहीं बोला, पढ़ के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि भाई सी तो मेरे पास 2400 है ही, ठीक है, अगर सी 2400 है डिफरेंस 800 है तो आर बड़ा हुआ मतलब ये 3200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दूसरा जाके प्लस, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस लूँ कि नहीं नहीं भैया यार 2400 यही बड़ा है आर छोटा है, तो आप मुझे अब आर की वैल्यू बताओ, तो भाई 8 माइनस हो जाएगा आपके पास 1600 आ जाएगा आर की वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल अनसोल्ड प्रोडक्ट ऑफ आर। बच्चे एक बात बताओ मुझे, ये क्या है, ये क्या निकाला आपने मैन्युफैक्चर्ड, ये क्या है दोनों सोल्ड के केसेस, क्योंकि हमें पता नहीं सही कौन सा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है अनसोल्ड, भाई मैन्युफैक्चर में से सोल्ड हटाओगे तभी तो अनसोल्ड आएगा, तो आपके पास यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें से ये हटाए कितना है आपके पास 400, हाँ यहाँ पे 47 आएगा, ठीक है, माई मिस्टेक, आपने भी करा है, ठीक है, यहाँ पे ना 4700 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3100, और यहाँ पे 47 में से 32 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सीधा 1500, और 1500 आपके पास ऑप्शन डी में आंसर गिवन है, ठीक है। आपको समझ आया हमने करा किस तरह से, मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन है एक्चुअल में बहुत ईजी। नेक्स्ट करते हैं आगे आपके पास, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से करिए। ए सोल्ड हिज प्रोडक्ट रुपीज 20 ईच, ए ने कितने प्रोडक्ट बेचा है भाई 2400 प्रोडक्ट बेचे हैं, और हर एक प्रोडक्ट 20 रुपए का बेचा है, ऐसे ही बी ने 40 रुपए के सारे प्रोडक्ट बेचे हैं, बी ने टोटल कितने बेचे हैं भाई 1800। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू अर्न्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी बाय सेलिंग ऑल देयर प्रोडक्ट, इसमें से इसे माइनस करके आपके पास आंसर आएगा। 24 दुनिया होता है 48,000 आ गया, 18 फोर जो होता है 72, तो 72,000 आ गया, ठीक है, आपके पास डिफरेंस सीधा सीधा आ गया 24,000, आपके पास ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना है, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है
आप किसी तरह की वीडियो चाहते हो, किसी कंटेंट पे, किसी भी टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपको आज का सेशन कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत सारे वीडियोस के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज। बाय बाय।